हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। यूपी टेट 2021 फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसमें आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं, और अगर करेक्शन नहीं होगा तो आपके पास क्या ऑप्शन है, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि हमने फॉर्म भरते समय ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, अब हम क्या करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी डिटेल में दे दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना, चाक्सू पब्लिकेशन लेकर आ गया है यूपी टेट 2021 के लिए कंप्लीट गाइड बुक। सिर्फ इसी एक बुक से आप यूपी टेट पेपर वन का पूरा तैयारी कर सकते हैं अपने पांचों सब्जेक्ट का। यहां पर यूपी टेट का पूरा थ्योरी, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3000 से ज्यादा यहां पर एमसीक्यू के प्रश्न हैं और दो प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा सिलेबस यूपी टेट का इसी एक बुक से कवर कर दिया गया है। सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में दी गई हैं, एक एक टॉपिक को यहाँ पर दिया गया है, और इस टेबल में आप देख पाएंगे दोस्तों कि एक एक सब्जेक्ट का, एक एक टॉपिक से कितने नंबर का सवाल किस साल पूछा गया है। तो विकल्प ही आपको इसमें सभी प्रश्न मिलेंगे, उत्तर मिलेगा और उत्तर का व्याख्या भी दिया गया है, और किस तरह से कंटेंट दिया गया है वो भी आप एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, चाक्सू पब्लिकेशन की एक एक सब्जेक्ट की स्पेशल भी बुक आती है। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट का स्पेशल बुक लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जो कि काफी शानदार है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। तो अगर आपको ये किताबें ऑनलाइन खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अगर आपको किताबों की दुकानों से जाकर लेना है तो आपको वहां पर भी ये इजिली मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, updla.gov.in आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है और यहीं से यूपी टेट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यूपी टेट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है दोस्तों, और 7 अक्टूबर से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज रजिस्ट्रेशन का तीसरा दिन है, लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है। जनरल गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट के सामने व्यू पर क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल यहां से डाउनलोड नहीं होगी। ये ऐसी पहली परीक्षा है जिसका नोटिफिकेशन देखे बिना छात्रों को आवेदन करना पड़ रहा है। इस बार के फॉर्म में करेक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो क्लियर ही नहीं होगा जब तक नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन फी के सामने व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड आ रहा है, बस गाइडलाइंस फॉर फोटो एंड सिग्नेचर स्कैनिंग वाला फाइल डाउनलोड हो रहा है, बाकी दोनों फाइल डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि फोटो और साइन को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं। तो ये पीएनपी है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, और इनका हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, और इस बार तो बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। एडेड जूनियर को लेकर छात्र परेशान है कि हमारा आवेदन करवाइए, 50% की अनिवार्यता जब समाप्त हो गई है तो हमसे फॉर्म क्यों नहीं भरवा रहा है। पीएनपी कोर्ट ने कहा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था है, किसी माध्यम से आप लोग भरवा लीजिए। लगातार धरना हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। NIOS DLED को लेकर NCT कह चुका है, कोर्ट कह चुकी है कि ये शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हैं, लेकिन PNP ने उन्हें बाहर कर दिया है। अब कोर्ट ने कहा है तो उन्हें आवेदन के लिए मौका दिया गया है, और यूपी टेट में बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहां देखेंगे कैंडिडेट गाइडलाइन है, और यहां पर एलिजिबिलिटी जियो एंड गाइडलाइंस है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल डाउनलोड होगा, और ये है यूपी टेट 2021 के लिए गाइडलाइंस। ये जो नोटिस है 15 मार्च 2021 को जारी किया गया था, और RV सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रशासन के द्वारा ये निर्देश दिया गया था, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन थे कि किस तरह से यूपी टेट होना है। फाइल में आपको जाना है 18.5 पर, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर लिखा गया है कि अभ्यर्थी को अपने आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का अवसर दे नहीं होगा। तो यहां पर बताया गया है कि आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो फॉर्म आपको बड़े सावधानी से भरना है। इस बार का नोटिफिकेशन तो अभी तक जारी हुए नहीं है, लेकिन हम लोग इसी को मानकर चल रहे हैं। करेक्शन करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, और इससे पहले भी यूपी टेट में कभी भी करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। सीटेट में तो करेक्शन हो जाता है, लेकिन यूपी टेट में नहीं होता है। तो बताया गया है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व उसका प्रिंट लेकर ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों को अपने डॉक्यूमेंट से मिलान कर लें, लेकिन अगर गलती हो ही गई है तो अब क्या करना है, इसके बारे में बताया गया है
18.9 में। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अभ्यर्थी किसी एक स्तर की परीक्षा हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन ना करें, तो एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन ना करें ऐसा कहा गया है। और यदि आप ऐसा करते हैं, एक से अधिक फॉर्म भरते हैं और उसका फी का पेमेंट भी करते हैं, तो अंतिम आवेदन आपका मान्य किया जाएगा और उसके पहले के सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और इसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का यानी आपका ही होगा। तो अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई है तो करेक्शन नहीं होगा और इस कंडीशन में आपको एक नया फ्रेश आवेदन करना होगा। और जो भी डिटेल्स आप डालेंगे आपके पुराने वाले फॉर्म से अगर वो मैच करेगा तो पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा और जो अंतिम आवेदन होगा उसका एडमिट कार्ड जारी होगा और आप उसे परीक्षा दे सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास यही है कि आप दोबारा से एक फॉर्म भर लीजिए। अब यहाँ पर भी बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि हमसे छोटी गलती हो गई है और हम क्या करें, क्या हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर यूपी टेट फॉर्म भरने की डेट अभी भी बची है, अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है लास्ट डेट से पहले पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि गलती छोटी हो या बड़ी हो आप अपना फ्रेश आवेदन कर लीजिए। 69,000 की शिक्षक भर्ती में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फॉर्म भरने की वजह से जो छोटी छोटी गलतियाँ हुई थी उसकी वजह से हजारों छात्र भर्ती से बाहर हो गए थे। कितना उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, मानसिक प्रताड़ना झेली और बाद में फिर उन्हें शामिल तो किया गया लेकिन कई शर्तों के साथ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका दोबारा से कराया गया, देखा गया किस तरह की गलती है, क्या गलती है। और स्पेशली जो मार्क्स भरने में गलती हो गई थी उनके साथ काफ़ी समस्या देखने को मिली थी। कमिटी बनाई गई थी कि किनको अंदर रखा जा सकता है और किनको बाहर किया जाएगा। अगर आपके पास मौका है तो नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद ही आप वीडियो देख रहे हैं तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस कंडीशन में आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा जो गलती आपसे हुई है। एक बात और हम लोग यहाँ पर करते हैं कि कौन सी छोटी गलती है जिसका काम आपका एफिडेविट से ही चल सकता है और कौन सी वो गलतियाँ हैं जिसके लिए आपको नया आवेदन कर ही देना चाहिए। वैसे तो आपको नया आवेदन किसी भी गलती के लिए कर देना चाहिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, क्योंकि 1200 रुपये लग रहे हैं दोनों पेपर के लिए, जनरल ओबीसी के लिए तो 2400 रुपये आपको पेमेंट करना होगा क्योंकि दोबारा भरेंगे तो फिर 1200 रुपये लगेगा। तो अगर कोई छोटी गलती हुई है, माइनर मिस्टेक हुआ है, जैसे कि पासिंग ईयर में अगर आपने मिस्टेक कर दिया, ये माइनर गलती ही मानी जाएगी। आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड में कोई गलती कर दी, मार्कशीट नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर भर दिया या सर्टिफिकेट नंबर की जगह सीरियल नंबर भर दिया, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो नंबर आपने भरा है यदि आपके मार्कशीट में प्रिंटेड है तो आपका वेरिफिकेशन उससे हो जाएगा। लेकिन नंबर ही गलत है तो फिर मेजर गलती है, लेकिन अगर मार्कशीट नंबर की जगह सीरियल नंबर इस तरह का मिस्टेक है तो आपका काम चल जाएगा अगर वो नंबर मार्कशीट पर आपका प्रिंटेड है। लेकिन अगर आपके नाम में ही गलती हो गई है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ऐसे डिटेल जो आपके मार्कशीट पर प्रिंट होता है, अगर यहाँ पर गलती हुई है तब तो आपको बेझिझक नया फॉर्म भर लेना चाहिए क्योंकि 69,000 का मैंने आपको बताया ही बहुत सारे छात्रों को इससे दिक्कत हुई थी। साइन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमने ब्लू पेन से साइन कर दिया है, अब हम क्या करें क्योंकि ब्लैक पेन साफ साफ लिखा गया है। तो ये भी एक बड़ी गलती है और नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, फॉर्म भरने से पहले भी इंस्ट्रक्शन आता है, गाइडलाइंस मैंने आपको दिखाया वहाँ पर भी लिखा गया है। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं और ब्लैक की जगह ब्लू हो गया है तो आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि साइन आपका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन गलती आपको नहीं करनी चाहिए जब साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया गया है। मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों कि फॉर्म कैसे भरना है, आपको वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और एक मैंने और वीडियो बनाया हुआ कि आप कौन कौन सी गलती कर सकते हैं, तो गलती से बचाने वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप हमारा यूपी टेट का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पीएनपी आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता है, आप कुछ भी डिटेल भर दीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और उसी डिटेल के आधार पर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा क्योंकि पीएनपी को नहीं पता है कि आपका असली नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने बीएड किया है कि बीटीसी किया है कि कुछ नहीं किया है। आप जो भर देंगे उसके आधार पर एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, लेकिन जब आप अपना मार्कशीट लेने जाएंगे, सर्टिफिकेट लेने जाएंगे यूपी टेट का, तो डैट पर वेरिफिकेशन होता है। अगर वहाँ पर भी आप बच गए किसी तरीके से तो जब आप नौकरी करने के लिए जाएंगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो समय रहते ही अगर आप अपनी गलती में सुधार कर लेते हैं, नया फॉर्म भर लेते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे नाम के पहले KM लिखा हुआ है, एक मार्कशीट में है, अगले में नहीं है, हम क्या करें, फॉर्म में हम क्या भरें और इसके लिए भी क्या हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है।
तो डिटेल तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर ही भरना होता है, लेकिन मान लीजिए आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में केएम या कुमारी लिखा हुआ है नाम से पहले और बाद में किसी भी मार्कशीट में कुमारी नहीं है, या फिर हाई स्कूल इंटर में है बाद में नहीं है, तो इस कंडीशन में आप फॉर्म भरते समय कुमारी का यूज ना करें, क्योंकि पहले के मार्कशीट में बाय डिफॉल्ट लड़कियों के नाम के पहले कुमारी आता था। इसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा और बता दीजिएगा क्लियरली कि पहले बाय डिफॉल्ट ये कुमारी आता था, मैंने नहीं लिखा है और बाद में फिर ये हट गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाने जाते हैं तो मेल और फीमेल में इस तरह का प्रीफिक्स नाम के पहले आ जाता है, लेकिन आपको इसके लिए भी क्लियरली एफिडेविट बनाना होगा। और नाम के बाद अगर कुमारी वगैरह है तो फिर ये गलती मानी जाएगी, पहले वाला है तो आपका काम चल जाएगा। तो यही थी कुछ डिटेल, कुछ जानकारी, आप लोगों के सवालों के जवाब। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी पसंद आया आपको, आपके काम का कुछ भी इस वीडियो में आपको लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।